आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रति इकाई प्राथमिक इलेक्ट्रॉनों से उत्सर्जित द्वितीयक इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है, मतलब कौन सा जो है पद है जिस पर निर्भर करती है। तो इसके लिए हमारे पास चार विकल्प भी हैं। पहला विकल्प क्या है कि लक्ष्य के पदार्थ पर, और दूसरा है प्राथमिक इलेक्ट्रॉनों की आवृत्ति पर, और तीसरा विकल्प है तीव्रता पर, चौथा विकल्प है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस चित्र में जो है प्राथमिक और द्वितीयक इलेक्ट्रॉनों को दिखाया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है क्या है कि इस सरफेस पे जो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से अगर आ रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे ये प्राथमिक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या किया है कि इसने जो है इस सरफेस से जो है इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉनों को जो है उत्सर्जित कर दिया है। ठीक है, तो इनको हम लोग कहेंगे ये द्वितीयक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो द्वितीयक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो किस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये संख्या यहाँ पर निर्भर करे किस पे, देखिए जो द्वितीयक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो अनुक्रमानुपाती होती है किसके, जो प्राथमिक इलेक्ट्रॉन है उनकी तीव्रता के। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सही विकल्प होगा वो क्या होगा, देखिए थर्ड, तीव्रता पर। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या, लक्ष्य के पदार्थ पर नहीं, प्राथमिक इलेक्ट्रॉनों की आवृत्ति पर नहीं, तीव्रता पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, चौथा भी यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा विकल्प। ठीक है, क्योंकि तीसरा जब सही हो गया तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत हो ही गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो द्वितीयक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो केवल और केवल तीव्रता पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।